दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी SSSC लेखपाल भर्ती में जैसे मैंने बताया था कि कोर्ट केस जिन्होंने भी किया था, जितने भी याची लोग थे वो मतलब फंस गए। सीधी बात ये, फंसना ज़रूरी भी था क्योंकि उनको कुछ मिलना भी नहीं था, क्योंकि जो एक तार्किक रीज़न होता वो रीज़न उनके पास था ही नहीं उस टाइम पर। अगर कोर्ट जैसे मतलब जैसे आंसर की नहीं आई थी उस टाइम पे सब कुछ होता तो सब लोग साथ देते और हर कोई व्यक्ति साथ देता, चाहे वो फेल होता चाहे पास होता। जब आंसर की आ जाती है, ओपन हो जाता है, तो फिर उसमें कुछ बचता ही नहीं है। फिर आदमी कह देता है कि अगर मेरा पॉइंट 25 बढ़ गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये सिस्टम होता है। तो कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों पर कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, कोर्ट केस में ऐसे ही डेट लगती रहेंगी जैसे मैंने कल भी बताया था। तो और दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन क्या हैं कि एक तो 4700 पदों पे जो अध्याचन है, ये अध्याचन के माध्यम से यूपी SSSC पे पहुंच चुका है। जब पहुंच चुका है तो आपको इसमें भर्ती आनी आनी निश्चित है। इसमें तो है नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। और ये भर्ती अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। और इसमें ऐसा हो सकता है कि 4700 पद में लगभग 1000 पद और ऐड हो जाए, लगभग ये भर्ती 6000 तक पहुँच सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि लगभग 1200-1300 लोगों का प्रमोशन होके जो लेखपाल हैं वो RI बनने वाले हैं, तो उनकी पद ऐड हो सकते हैं। और पहले भी जो पद हैं वो भी खाली हो चुके हैं, तो पहले वाले पद, ये पद नहीं कह रहा हूँ कि ये पद ऐड हो जाएंगे, ये भर्ती अभी रह गई है उसका, नहीं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बड़े अच्छे से मेहनत करिए आप अपने, मतलब कुछ लोग हैं उनको लगे रहने दीजिए, बाद बाकी आप लोग मेहनत करिए, जिससे आपका क्या होगा, आपकी मेहनत सफल होगी और आप जॉब पाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, छात्र हैं, जो बिल्कुल मतलब DV से भी बाहर हो गए हैं, कुछ पॉइंट 25 से बाहर हो गए। दुख होता है ना, सीधी बात यह है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। दूसरा, एक वेटिंग लिस्ट का भी एक माध्यम है कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए मैंने पहले भी बताया था, फिर सुन लो, वेटिंग लिस्ट का आना और ना आना UPSSC पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। राजस्व परिषद चाहते हैं तो आप पर सब कुछ हो सकता है। और राजस्व परिषद किसके हाथ में है? राजस्व परिषद हाथ में है पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में, ठीक है। और जो कुछ भी नहीं करते, आप समझ सकते हो क्या क्या वो वेटिंग लिस्ट निकलवा सकते हैं? वो इतना खौफ खाए बैठे हैं आप लोगों पर, क्या वेटिंग लिस्ट निकलवा सकते हैं? लेकिन आप कोशिश तो ज़रूर कर सकते हो, आप जनता दरबार जा सकते हो, कोशिश कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ मैं। देखो, ये ट्रेनिंग का शेड्यूल जो आया था हमारा 8085 लोगों का, तो उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि इसमें जो 7745 पोस्टों में से 6164 पोस्ट, मतलब इनकी ट्रेनिंग होनी है, बाद बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। क्या कारण रहे क्या नहीं रहे वो तो बात अलग है, लेकिन इसमें बाद का डाटा नहीं है, ये बात हकीकत है। जो बाद में डाटा आया है वो डाटा ऐड नहीं किया गया है। मान लो 6500 भी होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी इसमें 1500 पोस्ट तो वैसे भी खाली पड़ रही है। तो क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन एक ही व्यक्ति पर डिपेंड करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही व्यक्ति, राजस्व परिषद भी कठपुतली है, उसके सामने कुछ नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे जाके अगर रिक्वेस्ट करोगे, अगर उनके मन में आ गया तो आपको वो संशोधन करवा के आपको वेटिंग लिस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी कीमत पर कोई भी चाह ले तो वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती, ठीक। और इसमें ऐसा नहीं है कि 6500 पद मतलब भर गए, मान लो हो गया, इसमें अभी आने वाला है आपका BDO का रिजल्ट, उसमें 500 पद और जाने वाले हैं। जितने लेखपाल ज्वाइन करके 500 चले जाएंगे, उसमें और ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। तो भाई सारा कुछ डिपेंड करेगा राजस्व परिषद के हाथ में। राजस्व परिषद हाथ में है मुख्यमंत्री जी के हाथ में, तो आप वहाँ से गुहार लगाइए। और आपको, आप कह रहे हैं कि ग्रुप बना दो, ग्रुप बना दो, मैं ग्रुप नहीं बनाऊंगा। आप अपना एक ग्रुप बनाइए बढ़िया से और ग्रुप में इंप्लीमेंट करिए लोग, आप ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। मैं एक नौकरी वाला बंदा हूँ और आप हैं मतलब बेरोज़गार, तो आप ग्रुप बनाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली उसको रन कर पाएंगे। हम रन नहीं कर सकते, हमारा काम रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए और वहाँ से रन करिए। और वहाँ से अगर जैसे मान लो 1000 लोगों का या 800 लोगों का ग्रुप बन गया, अगर 200-300 लोग भी चले गए दो चार बार, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप घर में बैठे रहिएगा, आप वेटिंग लिस्ट करते रहिए तो उससे आ जाएगी, उससे नहीं आती है। तो मैंने दो ऑप्शन बताए। आप अगर कोर्ट केस लड़ रहे हो तो भैया छोड़ दो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप 4700 की प्रिपरेशन करो, उसमें पोस्टों की संख्या 6000 हो जाएगी। और अगर वेटिंग लिस्ट चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा, आपको राजस्व परिषद भी जाना पड़ेगा और दूसरा मुख्यमंत्री दरबार में भी जाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ इसमें हासिल हो पाएगा। अदरवाइज़ आप शून्य हो जाओगे, कुछ नहीं हासिल हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी अपडेट होगी मैं आगे देता रहूँगा। और अच्छी लगती है अपडेट तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।